और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है। पहचान को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश, ढाबा रेस्टोरेंट मालिकों को अपना नाम लिखना होगा। खाने पीने की जगहों की सघन जांच करनी होगी। ढाबा रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। ये बड़ा आदेश योगी सरकार की ओर से पहचान को लेकर, जितने लोग रेस्टोरेंट या खाने पीने के कारोबार से जुड़े हुए हैं उन सबको अब अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा, अपनी पहचान को जाहिर करना अनिवार्य होगा। और इतना ही नहीं, वहां पर सीसीटीवी लगाना भी मैंडेटरी होगा। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी होना चाहिए और उसी की निगरानी में सारा कामकाज होगा। खाने पीने की जगहों की सघन जांच होगी। ढाबा रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी जरूरी होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर प्रशासनिक आदेश जरूर सामने आए थे, जहां पर पहचान, अपना पूरा नाम प्रोप्राइटर को लिखना मैंडेटरी किया गया था। उस पर एक अलग ही सियासी बहस हुई, उसके बाद मामला कोर्ट तक भी पहुंचा और फिर इसमें सामने आया कि बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये सरकार ने फैसला लिया है पहचान को लेकर। ये बड़ा आदेश योगी सरकार का, ढाबा रेस्टोरेंट मालिकों को अपना नाम लिखना होगा। खाने पीने की जगहों की सघन जांच होगी। राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े। राजीव, कांवड़ यात्रा में जरूर कहा जाए कि कुछ प्रशासनिक आदेश इस तरह के आए थे, हालांकि बाद में कोर्ट के थ्रू ये कहा गया कि अनिवार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तो ये सरकारी आदेश बन गया है। अब देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि खाने पीने की चीजों में मिलावट की जा रही थी, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसे खान पान की जो वस्तुएं हैं जिनमें मिलावट की जाती है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी ढाबा रेस्टोरेंट और जहां पर भी खाने पीने की चीजें मिलती हैं उन सभी में काम करने वाले कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है, और साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग को भी ये निर्देश दिया है कि वो लगातार जांच करें कि कहीं भी जो खाद्य सामग्री है उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना की जाए। इतना ही नहीं, इस दौरान जो खान पान के, चाहे वो ढाबा संचालक हों, प्रोप्राइटर हों, उनको चलाने वाले, उनके मालिकों का नाम भी अपने ढाबा रेस्टोरेंट पर लिखने का निर्देश दिया है। लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे तिरुपति मंदिर का जिस तरह से प्रसाद में मिलावट की बात आई, उससे पहले भी कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया था कि कांवड़ियों को किसी भी तरह का अशुद्ध खान पान ना मिले, जिसके कारण उनकी भावना आहत हो। उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिया था कि सभी जो ढाबा संचालक हैं वो अपना नाम लगाएं, जिसको जहां पर स्वेच्छा होगा, जहां पर मन होगा वो खाएगा वहां पर। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि नाम लिखा जाता था कि माँ वैष्णो ढाबा और उसका संचालक किसी दूसरे समुदाय का होता था, उस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि इसको कोर्ट ने रोक दिया था, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी ढाबा संचालक अपना नाम लिखेंगे और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह से खान पान की वस्तुओं में मिलावट न की जाए। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, इसे दो तरह से जोड़ना चाहिए कि एक तो खतरनाक मिलावट जो तिरुपति के प्रसादम में सामने आई, लोग उसको लेकर आशंकित हैं कि सिर्फ प्रसाद में क्यों, ये तो मार्केट में मिलने वाले किसी भी सामान में हो सकता है। और दूसरा, हाल ही में कुछ घटनाएं उठाकर देखी, कहीं जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है, कहीं थूक करके रोटी बनाई जा रही है, तो क्या ये सब कुछ ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों पर लागू होगा या जो छोटे रेड़ी पटरी या कॉर्नर लगाते हैं रोड साइड में, वो भी इसके दायरे में आएंगे? देखिए, ये आदेश सभी पर लागू होगा। जिस तरह से आपने देखा कि गाजियाबाद में बीते दिनों जूस में यूरिन मिलाने की घटना सामने आई थी, उसको लेकर कई लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, कई लोगों को जूस पीने में संशय हो रहा था। तो ऐसे में सरकार ने सभी लोगों को जो शुद्ध खाद्य पदार्थ है वो मुहैया हो, इसके लिए ये निर्देश दिया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो इस तरह की हरकत करने से पहले वो लोग 100 बार सोचेंगे। इसीलिए सरकार की मंशा बस इतनी है कि जो लोग हैं उन्हें शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए कि कहीं भी जूस में यूरिन मिलाया जाए या फिर कोई अन्य पदार्थ ऐसा मिलाया जाए जिससे कि खाने पीने वाले व्यक्ति की भावनाएं आहत हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिसके कारण इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने विस्तृत निर्देश दिए हैं कि एक तरफ जहां ढाबा संचालक या जो इस तरह के लोग खाने पीने की सामग्री बेचते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए, दूसरी ओर वो कि अपना पूरा नाम पता उस ढाबे पर लिखें, रेस्टोरेंट पे लिखें और जो भी उनका संस्थान है उस पर स्पष्ट लिखना चाहिए, किसी भी तरह का गुमराह नहीं करना चाहिए। तो ये निर्देश मुख्यमंत्री के स्तर से आज दिए गए हैं। बिल्कुल, नाम सार्वजनिक करने की तो बाध्यता रहेगी ही, लेकिन अब उसके साथ गाइडलाइंस में और भी बहुत कुछ है। राजीव, विस्तार से बताइए
कि पुलिस वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, इसके अलावा वहां पर जो स्टाफ काम कर रहा है वो सीसीटीवी की निगरानी में होगा, शेफ वेटर सबको मास्क पहनना होगा, ग्लव्स लगाने होंगे, तो ये सारी जो गाइडलाइंस है इनके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए जिस तरह से हर तरफ से खबर आ रही थी, तो मुख्य मकसद सरकार का यही है कि जो आम लोग हैं वो अगर कहीं बाहर खाते पीते हैं तो उनको शुद्ध जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं हैं वो मुहैया कराई जाए, इसीलिए उनके बनाने से लेकर उनके बेचने तक साफ सफाई के साथ उनको बनाया जाए, वहां पर बनाने वाले कौन लोग हैं उनकी जानकारी हो, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो, ताकि उनकी भी जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से बड़े स्तर पर ये प्रचार किया जा रहा था लगातार, चाहे वो गाजियाबाद की घटनाएं हो या फिर तिरुपति के प्रसाद वाली घटनाएं हो, इनको रोकने के लिए कई मठ मंदिरों में भी ये व्यवस्था की गई है। लखनऊ के ही मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन ने बाहर के प्रसाद पर रोक लगा दिया था। तो जिस तरह की घटनाएं शामिल आई थी सामने आई हैं उसको लेकर आमजन काफी सशंकित थे, वो काफी संकित कर रहे थे कि बाहर खाना पीना सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब सभी को अपना नाम लिखना होगा। पहले भी जो ढाबा संचालक थे, जो रेस्टोरेंट होते थे, उसका जब जीएसटी जो नंबर मिलता था उसमें भी इस बात का प्रावधान है कि बाकायदा जो रेस्टोरेंट है ढाबा है वो अपनी पूरी दुकान की डिटेल बाहर लगाएं, उसमें नाम लिखें, अपना पता लिखें, इस पर पहले से निर्देश थे। लेकिन अमूमन ढाबा संचालक हो या फिर रेस्टोरेंट वाले हो वो मालिक का नाम नहीं लिखते थे, किसी दूसरे के नाम से चलाते थे। तो ऐसे में सरकार ने ये आज निर्देश दिया है कि सभी को अपना सही नाम पता लिखना होगा और जो खाद्य सामग्री वो बेच रहे हैं उसकी शुद्धता की गारंटी उनको लेनी होगी। ये इस तरह का जो आदेश राजीव पूर्व में कांवड़ यात्रा के दौरान आया था तो उस पर बड़ी सियासी चर्चाएं, बहस और विपक्षी पार्टियों का विरोध सामने आया था। लेकिन अब आप देखिए कि डिंपल यादव तो खुद कह रही है कि वृंदावन के आसपास प्रसाद की जांच होनी चाहिए, तो क्या अब इस आदेश को विपक्ष का समर्थन होगा या इस पर फिर से कोई ना कोई सियासी खिड़की खोल दी जा सकती है? अब देखिए जो बात कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार कह रही थी और जिस मकसद के तहत उन्होंने सभी ढाबा संचालकों और रेस्टोरेंट को अपना नाम पता लिखने का निर्देश दिया था, उसी के बाद भले ही कोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन जिस तरह से में जो प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया उसके बाद पूरे देश में जो भक्त हैं, जो आम लोग हैं वो नाराज हुए, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर खुलकर वो टीवी चैनलों पर भी बोलते नजर आए हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानकर किसी दूसरे का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, जिसके चलते इस तरह की हरकत करते हैं, कहीं जूस में यूरिन मिलाया जाता है तो कहीं उनको मिलावट वाला प्रसाद दिया जाता है। ऐसे में अब योगी सरकार ने तमाम घटनाओं के बाद उनका संज्ञान लेते हुए ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर अशुद्धता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसीलिए सबसे पहले वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है और साथ ही साथ अपना ढाबा संचालकों को नाम पता भी लिखने का निर्देश बिल्कुल दिया। तो ये बहुत सारे दिशा निर्देश जो है जिसे सख्ती से यूपी सरकार अब लागू करेगी। आप बने रहेंगे हमारे साथ, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी भी लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, ये बहुत बड़ा फैसला, जिस तरह अभी राजीव से चर्चा भी हो रही थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान लगभग ऐसा ही एक फैसला आइडेंटिफिकेशन जो था वो पब्लिक करने का सामने आया था, तो बहुत सियासी विरोध हुआ था, विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था, लेकिन अब क्या सहयोग मिलेगा हाल की घटनाओं के बाद? देखिए अभी जो घटनाएं सामने आई हैं वो आंखें खोलने वाली हैं, और जो सबसे बड़ा पूज्य स्थल है यहाँ पर तिरुपति, जब वहां से मिलावट की बात सामने आ गई है, लखनऊ के एक मंदिर ने कह दिया है कि बाहर से प्रसाद नहीं अपने घर से बनाकर लाइए, फिर इसी बीच तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर कोई यूरिन मिलाता हुआ जूस में दिख रहा है, थूक लगाकर कोई रोटी बनाता दिख रहा है, कोई किसी खाद्य सामग्री में, खाद्य पदार्थ में, खाने में थूकता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे वीडियो बहुत आम हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब सरकार को भी इसका संज्ञान लेना पड़ा है। अभी दो तीन दिन पहले ही जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर रहे थे, एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो रामगढ़ताल गोरखपुर में खुला है उसका उद्घाटन करते हुए तो उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद से कयास
लगाए जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि यहाँ पर आपको शुद्ध खाना मिलेगा, यहाँ पर ऐसा खाना नहीं होगा कि आपके मन में डर हो कि कोई उसमें थूकेगा। तो अब और ज्यादातर मामलों में जहां पर भी थूकने वाली बात आई है या यूरिन की बात आई है तो वो धर्म विशेष के लोग आए हैं, सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ लोगों ने जेहाद का नाम भी दिया है, जैसे जिसकी आप ये कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसको जो सूट कर रहा था उसको थूक जेहाद भी आम भाषा में लोग कहने लगे थे। तो उसको भी देखते हुए कि तमाम लोगों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो पवित्रता है, जो शुद्धता है, वो प्रभावित हो रही है, लिहाजा अब आप कहीं भी। लेकिन ऋषमणि, हाल की घटनाओं को आप उठाकर देखिए तो अभी ये धार्मिक शुद्धता से आगे बढ़कर के मामला सामने आया है। तिरुपति के प्रसाद में जो कुछ हुआ, जूस में यूरिन मिलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं थूक कर रोटियां परोसी जा रही हैं, ये खबरें नहीं थम रही हैं। और इस पर सियासत, विचारधारा, इस सबसे ऊपर जाकर साइंस के नजरिए से भी सोचना चाहिए कि लोगों को आखिर क्या परोसा जा रहा है। रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होना, ये तो किसी के भी लिए टॉलरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ ये सेहत से भी खिलवाड़ है, ये सीधे सीधे किसी को मृत्यु की ओर धकेलने जैसा है, गंभीर बीमारियां हो सकती है इस सबसे। आप हमारे साथ बने रहेंगे।